तो दोस्तों आज का जो हमारा आर्टिकल है वो क्या है, ए थम डाउन फॉर दी अडॉप्टेड हेरिटेज स्कीम। थम डाउन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना। आपको भी पता होगा थम डाउन का मीनिंग क्या होता है, फॉर दी अडॉप्टेड हेरिटेज स्कीम। तो जिस राइटर ने, जिस आथर ने ये आर्टिकल लिखा हुआ है, किसने लिखा हुआ है ये, चंचनानी ने, और ये एक प्रोफेसर है साउथ एशियन आर्ट का। इन्होंने क्या किया है, क्रिटिसाइज किया है, मतलब थम डाउन किया है फॉर दी अडॉप्टे हेरिटेज स्कीम। तो जो गवर्नमेंट एक स्कीम ला रही है जिसका नाम है अडॉप्टे हेरिटेज स्कीम, उसको इसने क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, अब इस आर्टिकल के अंदर क्या है, मैं एक एक लाइन को आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। आप अगर लास्ट तक इसको देखोगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा और आपको मजा आएगा। ठीक है, आपका अपना ओपिनियन बना सकोगे, काफी कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्या है इसमें, पढ़ते हैं। प्राइवेट फर्म्स, कंपनीज एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कैन एंटर इंटू एग्रीमेंट्स विद द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू अडॉप्ट एंड मेंटेन स्टेट ओन्ड आर्कियोलॉजिकल साइट्स और मॉन्यूमेंट्स। तो जो प्राइवेट फर्म्स हैं, जो कंपनीज हैं, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, कैन एंटर इंटू एग्रीमेंट, वो गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट के अंदर आ सकते हैं, किसके साथ, यूनियन मिनिस्ट्री के साथ जो कल्चर की है, टू अडॉप्ट एंड मेंटेन स्टेट ओन्ड आर्कियोलॉजिकल साइट्स और मॉन्यूमेंट्स। मतलब वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट करेंगे जो प्राइवेट कंपनीज हैं अडॉप्ट करने के लिए, क्या करने के लिए, जो स्टेट ओन्ड आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं और जो मॉन्यूमेंट्स हैं। मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, मतलब बड़े बड़े जो किले हैं, वो उनको मेंटेन करने का जो जिम्मा है, अडॉप्ट करने का जो जिम्मा है, वो स्टेट, मतलब जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो क्या कर सकती हैं, एक एग्रीमेंट के थ्रू गवर्नमेंट से ले सकती हैं कि हम लोग इन चीज़ों को मेंटेन करेंगे। ठीक है, इन साइट्स को हम लोग मेंटेन करेंगे। तो वो क्या कर सकती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ जो है वो एग्रीमेंट कर सकती हैं इस चीज़ का। बिजनेस डेट एंटर सच एग्रीमेंट्स आर गोइंग टू बी नोन एज मॉन्यूमेंट मित्रास। तो जो भी कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करेंगी इन मॉन्यूमेंट्स को मेंटेन करने के लिए, उनको क्या बोला जाएगा, मॉन्यूमेंट मित्रास। ठीक है, मतलब मॉन्यूमेंट्स के दोस्त। उसके बाद, दिस सेंट्रल गवर्नमेंट इज eager that this scheme which began in February leads to the adoption of 500 protected sites by August 15। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो काफी ज्यादा ईगर है। ईगर का मतलब क्या होता है, उत्सुक होना। ठीक है, दैट दिस स्कीम, कि ये जो स्कीम है वो जो फरवरी में स्टार्ट हुई है, लीड्स टू द अडॉप्शन ऑफ 500 प्रोटेक्टेड साइट्स बाय अगस्त 15। तो गवर्नमेंट का कहना है कि अगस्त 15 तक लगभग, ठीक है, ये जो स्कीम है इसके अंदर में क्या होगा, जो 500 मॉन्यूमेंट साइट है उनको कोई ना कोई प्राइवेट कंपनी जो है वो अडॉप्ट कर लेगी मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, उसके बाद एंड द अडॉप्शन ऑफ अनदर 500 साइट्स शॉर्टली दियर आफ्टर। उसके बाद जो 500 साइट्स हैं वो भी इमीजिएटली उसके बाद ही अडॉप्ट हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद द नंबर रिप्रेजेंट्स ए 10-fold इंक्रीज इन द नंबर ऑफ साइट्स बीइंग ब्रॉट अंडर द एम्बिट ऑफ द कॉन्ट्रोवर्शियल अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम। तो ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं, मतलब गवर्नमेंट बोल रही है कि 500 मॉन्यूमेंट्स जो है वो प्राइवेट कंपनीज ले लेंगी एक एग्रीमेंट के थ्रू कि हम लोग इनकी मेंटेनेंस करेंगे, ये जो नंबर है ये 10 गुना ज्यादा है। 10-fold टाइम इंक्रीज द नंबर ऑफ साइट्स बीइंग ब्रॉट अंडर द एम्बिट। एम्बिट का मतलब क्या होता है, रेंज में आना, मतलब किसी की रेंज में आना। तो जो 2017 में जो स्कीम आई थी ना अडॉप्ट अंडर स्कीम, तो उसके उसमें जो जितनी मतलब कंपनीज ने अडॉप्ट किया था ना मॉन्यूमेंट्स को, ये उससे 10 गुना ज्यादा बोल रही है गवर्नमेंट की इस स्कीम के अकॉर्डिंग अडॉप्ट हो जाएगा। ठीक है, जो अभी जो स्कीम आई है जो फरवरी में स्टार्ट हुई है। ठीक है, उसके बाद अनलेस द रीवैम्प्ड स्कीम इज सस्पेंडेड द नेशंस प्रीशियस प्लूरलिस्टिक हेरिटेज दैट स्टैंड्स एट द थ्रेशहोल्ड ऑफ ऑब्लिटरेशन। मतलब अनलेस दी रीवैम्प्ड स्कीम इज सस्पेंडेड। रीवैम्प्ड का मतलब क्या होता है, जिसमें कुछ चेंजेस लाई गई हैं। अब जो 17 में स्कीम थी उसको छोड़ के इसमें कुछ बदलाव लाए गए हैं। तो जिसने ये आर्टिकल लिखा है वो क्या बोल रहा है कि जब तक ये जो रीवैम्प्ड स्कीम है, मतलब जिसमें जो चेंजेस लाई गई है, अमेंडमेंट लाई है, जब तक इसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा, द नेशंस प्रीशियस प्लूरलिस्टिक कल्चर। प्लूरलिस्टिक कल्चर क्या होता है, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट हमारा कल्चर है, हेरिटेज है, स्टैंड्स एट दी थ्रेश होल्ड ऑफ ऑब्लिटरेशन। वो कहाँ पे खड़ा होगा, थ्रेश होल्ड क्या होता है, दहलीज ऑफ ऑब्लिटरेशन। ऑब्लिटरेशन का मतलब क्या होता है, नाश, खत्म। वो जो अगर हमने मतलब इस स्कीम को सस्पेंड नहीं किया, आथर का कहना है, तो जो हमारा प्लुरलिस्टिक हेरिकल्चर है, मतलब हेरिटेज है ना, कल्चर है, वो एकदम मतलब नाश की कगार पे खड़ा होगा, दहलीज पे खड़ा होगा। तो अब उसने आगे क्या लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ते हैं। दी पेरिल्स ए हेड, पेरिल्स का मीनिंग लिखिए। पेरिल्स का मीनिंग होता है मतलब जो डिफिकल्टीज जो आगे आने वाली हैं। दी पेरिल्स ए हेड, ठीक है। अब क्या डिफिकल्टी की आथर बात कर रहा है, ये हम लोग अभी इसको समझते हैं। ठीक है, अंडर दी प्रपोर्टेडली ओवरहॉल्ड अडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम। तो प्रपोर्टेडली ओवरहॉल्ड,
प्रोपोर्टेडली का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को मतलब सही बताना चाहे वो सही हो या ना हो, उसको बोलते हैं प्रोपोर्टेडली। और ओवरहॉल्ड का मीनिंग क्या होता है, ओवरहॉल्ड का मीनिंग भी आप लोग लिख लीजिए। ओवरहॉल्ड का मीनिंग होता है किसी चीज को इम्प्रूव करना, ठीक है। तो ये जो अंडर दी ओवरहॉल्ड, प्रोपोर्टेडली ओवरहॉल्ड मतलब जिसको सही बताया जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है गवर्नमेंट के अलावा, जिसको मतलब इम्प्रूव किया है गवर्नमेंट ने, अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम। बिजनेसिस मे यूज देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड एट सेलेक्ट साइट्स टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन टिकट ऑफिस, रेस्टोरेंट्स, म्यूजियम्स, इंटरप्रिटेशन सेंटर्स एंड टॉयलेट एंड रेलवेज। तो इस स्कीम के अकॉर्डिंग जो मतलब जो कंपनीज हैं उनका जो सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड है उसको वो क्या कर सकती हैं, यूज कर सकती हैं कहाँ पे, कुछ सेलेक्टेड साइट्स में अपने टिकट ऑफिस बनाने के लिए। टिकट ऑफिस मतलब टिकट टिकट लेके मॉन्यूमेंट्स के अंदर जाया जाएगा, उसके बाद रेस्टोरेंट्स बनाने के लिए, म्यूजियम्स बनाने के लिए, इंटरप्रिटेशन सेंटर, टॉयलेट्स, वॉकवेज, ये सब बनाने के लिए यूज कर सकती हैं, ठीक है। दे मे ड्रामेटिकली इल्यूमिनेट मॉन्यूमेंट्स, मतलब वो क्या कर सकती हैं, इल्यूमिनेट का मतलब क्या होता है, चमकदार बनाना, मतलब एकदम जबरदस्त बना सकती हैं मॉन्यूमेंट्स को, ठीक है, चमकदार बना सकती हैं क्योंकि प्राइवेट कंपनीज हैं। सेटअप गाइडेड टूर्स, वो सेटअप कर सकते हैं गाइडेड टूर्स, मतलब जिसमें आपको एक जो गाइडर होगा वो गाइड करेगा कि आपको कहाँ कहाँ जाना है। उसके बाद एंड उसके बाद होल्ड कल्चरल प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम्स भी कर सकती हैं वहाँ पे। उसके बाद एंड फैक्स इक्विपमेंट फॉर लाइट एंड साउंड शोज, और उसमें लाइट और साउंड शोज के लिए इक्विपमेंट मतलब हथियार भी रख सकती है, ठीक है, मतलब लाइट और साउंड शो करवाने के लिए। उसके बाद सम ऑफ दिस एक्टिविटीज अपीयर टू बी प्रोग्रेसिव मेजर्स एम्ड एट इम्प्रूविंग विजिटर सर्विसेज एंड एमिनिटीज। तो ये जो मतलब कुछ जो एक्टिविटीज हैं ये एकदम हमें प्रोग्रेसिव स्टेप लग रहे हैं, मतलब बढ़ते हुए स्टेप मेजर्स लग रहे हैं, एम्ड एट इम्प्रूविंग, जो हमारा क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा विजिटर सर्विसेज, मतलब जो लोग वहां पे घूमने जाएंगे उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेगा। एंड एमिनिटीज, एमिनिटीज का मीनिंग क्या होता है, एमिनिटीज का मीनिंग लिखिए, एमिनिटीज का मीनिंग होता है, तो एक सेकंड, एमिनिटीज, हाँ एमिनिटीज का मतलब होता है सुख सुविधाएं, मतलब सुख सुविधाएं प्रोवाइड कर सकता है अच्छी विजिटर को। हाउ एवर स्क्रूटिनी एस्टेब्लिश पेरिल्स, पेरिल्स का मीनिंग मैंने मतलब पहले ही बता दिया, डिफिकल्टी, ठीक है। जो स्क्रूटिनी है, स्क्रूटिनी का मीनिंग लिखिए जांच, वो क्या करती है, डिफिकल्टी एस्टेब्लिश करती है, मतलब अगर हम लोग इस चीज की जांच करेंगे तो हमें कुछ डिफिकल्टीज मिलेंगी, जिसने आर्टिकल लिखा है उसका ये कहना है। अब वो डिफिकल्टीज क्या है उसको हम लोग स्टडी करते हैं। टू बिगिन, अगर हम लोग स्टार्ट करें, जस्ट एज परमिटिंग ए वॉच कंपनी विदाउट एक्सपर्टीज इन ब्रिज इंजीनियरिंग टू मेंटेन ए कॉलोनियल एरा ब्रिज इन मोरबी गुजरात पॉसिबली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दी हॉट रेंचिंग ट्रेजेडी। आपको पता होगा कुछ महीने पहले गुजरात में एक जो ब्रिज है, पुल है, वो नीचे गिर गया था, ठीक है। तो राइटर वही एग्जाम्पल दे रहा है, बोल रहा है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या क्या डिफिकल्टी फेस कर सकते हैं हम लोग। जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया था, परमिट किया था, परमिट क्या होता है, परमिशन देना एक वॉच कंपनी को जो घड़ियां बनाती हैं विदाउट एक्सपर्टीज, जिसके पास कोई भी बड़े बड़े विशेषज्ञ नहीं है इन ब्रिज इंजीनियरिंग, ब्रिज इंजीनियरिंग का जिनको कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है, टू मेंटेन ए टू कॉलोनियल एरल ब्रिज इन मोरबी गुजरात। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि आप जो एक कॉलोनियल एरा मतलब ब्रिटिश टाइम का जो एक ब्रिज है आप उनको मेंटेन करोगे। पॉसिबली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दी हॉट रैंचिंग ट्रेजेडी, अब रैंचिंग का मतलब क्या होता है ये आप लोग लिखिए, मतलब रैंचिंग का मतलब होता है सौरो, मतलब एकदम पेनफुल, उसको बोलते हैं हम लोग रैंचिंग। तो इसी चीज ने क्या किया था, कंट्रीब्यूट किया था, मतलब इसी चीज का हाथ था कि हमें एक हर्ट रैंचिंग मतलब एकदम दिल दहलाने वाली जो ट्रेजेडी है उसको देखना पड़ा, मतलब जो हमारे साथ हुई। उसके बाद सो गिविंग बिजनेसिस रैदर देन ट्रेन प्रोफेशनल्स, मतलब बिजनेसिस जो बिजनेसमैन हैं, जो कंपनीज हैं, उनको ये बोलना कि आप मॉन्यूमेंट्स की मेंटेनेंस करोगे रैदर देन ट्रेन प्रोफेशनल, मतलब ट्रेन प्रोफेशनल को छोड़ के अगर आप क्या कर रहे हो, बिजनेसिस को बोल रहे हो कि आप लोग क्या करोगे, मेंटेन करोगे मॉन्यूमेंट्स, तो क्या होगा, ए चांस टू बिल्ड म्यूजियम्स एंड इंटरप्रिटेशन सेंटर, मतलब आप लोग मॉन्यूमेंट्स को बिल्ड करोगे, इंटरप्रिटेशन सेंटर को बनाओगे, एंड डेवलप देयर कंटेंट थ्रेटन्स इंडियाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स ओन पास्ट। तो जो भी वो कंटेंट प्रोवाइड करेंगे या फिर उनको करना है वो क्या करता है, एकदम थ्रेट डालता है इंडिया को, मतलब खतरे में डालता है, अगर इंडिया की जो पास्ट अंडरस्टैंडिंग है, जो मतलब पास्ट एक्सपीरियंस इंडिया के साथ हुए हैं, अगर हम लोग उनको देखेंगे। उसके बाद जैसे गुजरात में इंसिडेंट हुआ, द करंट प्लान ऑल्सो साइडलाइंस द मैंडेट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वेस ऑफ इंडिया एंड अबंडंस द सारनाथ इनिशिएटिव गाइडलाइन। तो ये जो करंट प्लान है, मतलब जो गवर्नमेंट की स्कीम है, ये क्या करती है, साइडलाइन करती है, मतलब इग्नोर करती है जो मैंडेट मतलब जो रूल्स जो हैं वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किए थे। एंड अबंडेंस, अबंडेंस का मतलब होता है दरकिनार करना, मतलब गिव अप करना, जो सारनाथ गाइडलाइंस हैं उनको भी ये क्या करती है, दरकिनार करती है, इग्नोर करती है, जो कि किसने दी थी, एएसआई ने दी थी, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया।
The Grytty Trust US, the British Museum and National Institute Culture Fund to see to save keep excavated projects and present them to visitor in an engineering manner. तो इनके अकॉर्डिंग क्या था, जो ब्रिटिश म्यूजियम्स हैं, जो नेशनल कल्चरल फंड हैं, वो क्या करेंगे, टू सेफ कीप एक्सकवेटेड ऑब्जेक्ट्स, जिनको मतलब खुदाई, एक्सकवेटेड का मतलब होता है खुदाई, जिन ऑब्जेक्ट्स की खुदाई की है उनको वो सेफ रखेंगे एंड प्रेजेंट डैम, और वही उन लोगों को मतलब जो विजिटर हैं उनको प्रेजेंट करेंगे इन एन इंजीनियरिंग मैनर। तो ये जो गाइडलाइन थी इसको भी अनफॉलो कर दिया है, ठीक है, इस स्कीम ने उसके बाद, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज के हाथ में चली गई हैं तो उनके अपने गाइडर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड, मैनी मॉन्यूमेंट सेलेक्टेड फॉर दिस स्कीम इंक्लूडिंग दी स्टूपास एट सांची, दी बृहदेश्वर टेम्पल इन थंजीपुर एंड अकबर्स प्लेस एट फतेहपुर सिकरी ऑलरेडी हैव टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनकी हमने बात की, जैसे स्टूपा है सांची में, जैसे बृहदेश्वर टेम्पल है थंजूर में, और अकबर का जो फतेहपुर सिकरी है वो ऑलरेडी उसमें टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही बना हुआ है बड़ा बड़ा, तो प्राइवेट कंपनीज को देने की जरूरत ही नहीं थी, बट इज ड्राइविंग द नीड फॉर न्यू टिकटेड ऑफिसेज एंड गिफ्ट शॉप। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई हमें न्यू टिकट ऑफिसेज बनाने की और गिफ्ट शॉप वहां पे बनाने की। तो सीधा सीधा मतलब है कि आप प्राइवेटाइजेशन को मतलब फायदा दे रहे हो, ठीक है, जिसने आर्टिकल लिखा है उसका ये कहना है। उसके बाद फर्दर, इट इज एक्सेप्टेबल टू लेट बिजनेस ऑक्यूपाई प्राइम पब्लिक लैंड एंड बिल्ड देयर ओन ब्रांड्स एंड अदर प्रोविजन ऑफ अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम एट द कॉस्ट ऑफ फर्दर डिमिनिशिंग ग्राउंड्स अराउंड आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स। तो आगे वो बोलता है कि ये क्या एक्सेप्टेबल होगा टू लेट बिजनेसेस ऑक्यूपाई प्राइमरी लैंड, मतलब जो हमारी मेन लैंड है उनको जो बड़े बड़ी कंपनीज हैं वो ऑक्यूपाई कर लें, ले लें, एंड बिल्ड देयर ओन ब्रांड्स, और वहां पे वो अपना ब्रांड बनाएं। इससे क्या होगा, जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको भी हार्म होगा, उनकी दुकानें भी बंद हो जाएंगी। अनदर प्रोविजन ऑफ अडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम एट द कॉस्ट ऑफ फर्दर डिमिनिशिंग ग्राउंड्स अराउंड आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स। और एक और जो मतलब ये जो है वो एक प्रोविजन है, मतलब रूल है हेरिटेज स्कीम का, एट द कॉस्ट ऑफ डिमिनिशिंग ग्राउंड, मतलब जो ग्राउंड्स हैं उनको क्या करना, डिमिनिश करना, मतलब खोदना, खुदाई करना अराउंड आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स, जो मतलब आइकॉनिक जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके आसपास में, ठीक है। दीज ग्राउंड्स आर वैल्यूएबल स्पेसेस, ये जो ग्राउंड्स हैं ये मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी जगह है, ठीक है। इफ एक्सकावेशन आर कैरिड आउट इन दैम दे कैन लीड टू दी, मतलब अगर उनमें खुदाई की जाएगी, डिस्कवरी ऑफ एंटीक्विटीज, अगर इनमें अच्छी तरह खुदाई की जाएगी तो हमें एंटीक्विटीज मिल सकती हैं। एंटीक्विटीज का मीनिंग लिखिए आप, एंटीक्विटीज का मीनिंग होता है जो पुरानी पुरानी चीजें होती हैं वो वहां पे हमें मिल सकती हैं, लेकिन अगर आपने इनको प्राइवेट कंपनीज को दे दिया तो वहां पे वो रेस्टोरेंट बना देंगे, बार बना देंगे, तो ऐसा हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है, डिस्कवरी हो सकता है एंटीक्विटीज का, अगर हम लोग इसकी खुदाई करेंगे, दैट कैन ऑफर क्लूज इन टू द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ द मॉन्यूमेंट, तो वो हमें क्या कर सकता है, कुछ क्लू मतलब कुछ चीजें बता सकता है, हिस्टोरिकल चीजें बता सकता है उस मॉन्यूमेंट के बारे में, ठीक है। प्राइमरली फॉर दिस रीजन न्यू कंस्ट्रक्शन इन दिस एरियाज हैथ हिथार्थो बीइंग प्रोहिबिटेड, तो इसी रीजन की वजह से जो मतलब नई कंस्ट्रक्शन वहां पे हो रही थी ना इन एरियाज में, उसको क्या कर दिया है, रोक दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अनदर डेंजर ऑफ इंप्लीमेंटिंग ए अडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम इज दैट दिट इट विल अंडरमाइन लोकल कम्युनिटीज, तो एक और जो खतरा है ना स्कीम का वो क्या है, ये अंडरमाइन करेगी लोकल कम्युनिटीज को। मैंने पहले ही बोला अंडरमाइन का मतलब क्या होता है, कमजोर करना, जो लोकल कम्युनिटीज है ना उन पे इसका काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा एंड देयर रिलेशनशिप विद द हिस्टोरिकल साइट, और जो उनका रिलेशनशिप है हिस्टोरिकल साइट्स के साथ। गाइडेड टूर्स लेड बाय एम्प्लॉयज ऑफ लार्ज कंपनीज हु हैव रिसीव्ड परमिशन टू अडॉप्ट ए मॉन्यूमेंट मे एंडेंजर लाइवलीहुड ऑफ दोस हु हैव लिव्ड नियर दिस साइट एंड मेड ए लिविंग रिगेलिंग विजिटर्स विद द स्टोरीज ऑफ इट्स कलरफुल पास्ट। तो क्या है, जो गाइडेड टूर है मतलब जो गाइडर है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे, जो लार्ज बिजनेसेस हैं, जो कंपनीज हैं, ठीक है, हु हैव रिसीव्ड द परमिशन टू अडॉप्ट ए मॉन्यूमेंट, जिन्होंने परमिशन ली है, गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया कि हम लोग इसको देखेंगे, वो अपने बंदे रखेंगे वहां पे गाइड करने के लिए लोगों को, ठीक है। उसके बाद मे इंडेंजर, वो क्या कर सकता है, खतरे में डाल सकता है रोजी रोटी लाइवलीहुड किसका, दोज हु लिव नियर दिस साइट, जो उस मॉन्यूमेंट के आसपास में रहते हैं, ठीक है, एंड मेड ए लिविंग रिगेलिंग विजिटर्स, और वो क्या करते थे, मेड ए लिविंग मतलब वो कैसे रहते थे, बाय रीगेलिंग, रीगेलिंग का मतलब क्या होता है, हैप्पीनेस प्रोवाइड करना, ठीक है। लिविंग का मतलब क्या होता है, रोजी रोटी अपनी बनाते थे, कैसे, बाय रीगेलिंग, मतलब लोगों को हंसा के जो विजिटर वहां पे आते थे, रीगेलिंग विजिटर विद स्टोरीज ऑफ इट्स कलरफुल पास्ट, उनकी मतलब जो मॉन्यूमेंट है उसकी पुरानी स्टोरीज बता के जो विजिटर हैं उनको खुश करते थे और अपना जो लाइवलीहुड है, घर बार है, वो चलाते थे, ठीक है। उनकी रोजी रोटी तो बंद हो जाएगी क्योंकि प्राइवेट कंपनीज अपने गाइडर्स वहां पे रख देगी, अपने जो बार्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, वो वहां पे बना देंगी, तो इससे काफी डिफिकल्टी होगी किसको, लोकल कम्युनिटीज को। उसके बाद
रिगेलिंग का मीनिंग आप लोग लिख देना, मतलब प्लेजर, ठीक है। उसके बाद द पोटेंशियल ऑफ बिग बिजनेसेस टू अंडर राइट ए मॉन्यूमेंट्स इल्यूमिनेशन इज ऑल्सो ट्रबलिंग। और जो मतलब पोटेंशियल है, मतलब पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, जो किसी के पास मतलब पावर होना, जो पावर है बड़े बड़ी कंपनीज का टू अंडर राइट ए मॉन्यूमेंट इल्यूमिनेशन इज ऑल्सो ट्रबलिंग। अब अंडर राइट का मतलब क्या होता है, किसी मनी प्रोवाइड करके किसी चीज को डेवलप करना। तो जो मॉन्यूमेंट्स की ये क्षमता है ना कि हम लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देंगे, मॉन्यूमेंट को और ज्यादा चमकदार बना देंगे, वो भी कुछ ना कुछ ट्रबल मतलब क्रिएट कर सकता है, क्योंकि लोकल कम्युनिटीज को इससे काफी ज्यादा हार्म होगा, उनकी दुकानें तो बंद हो जाएंगी। कीपिंग दिस स्पॉट्स ओपन फ्रॉम डॉन एंड डस्ट हैज लिमिटेड फुटफॉल एंड दस प्रिजर्व देम फ्रॉम एक्सेसिव वियर एंड टीयर। तो इन स्पॉट्स को क्या करना, ओपन फ्रॉम डॉन टू डस्ट, मतलब सुबह से शाम तक इनको खुले रखना, ओपन रखना। हैज लिमिटेड फुटफिल, मतलब उससे क्या होगा, लोग जो है वो वहां पे कम आएंगे। लिमिटेड फुटफिल का होता है मतलब भीड़ भाड़ कम होगी। एंड दस प्रिजर्व देम फ्रॉम एक्सेसिव वियर एंड टीयर, तो बियर एंड टीयर होता है टूट फूट, तो इससे क्या होगा, मॉन्यूमेंट्स की टूट फूट है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि सुबह से शाम तक खुले रहेंगे तो लोग कम आएंगे। अगर कुछ घंटों के लिए खुलते तो भीड़ ज्यादा होती है ना, तो उससे नुकसान भी ज्यादा होता है मॉन्यूमेंट को। नाइट टूरिज्म विल ऑल्सो पुल इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रूरल होमस्टेड्स एंड हॉस्पिटल। होमस्टेड मतलब क्या होता है, इलाका। तो जो वहां पे जो नाइट टूरिज्म भी खुल जाएगा, इस वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लेंगे, जो वहां के रूरल एरियाज हैं और जो हॉस्पिटल हैं, तो इससे उनको और ज्यादा नुकसान होगा। उसके बाद मतलब जो रूरल जो लोकल कम्युनिटीज हैं। उसके बाद मैनी मॉन्यूमेंट सेलेक्टेड फॉर अडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम एज आर ओन ASI लिस्ट। तो मतलब बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको इस स्कीम के अंडर लाया गया है कि हम लोग इनको प्राइवेट कंपनीज को दे देंगे, वो ASI आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया की जो लिस्ट है उसके अंडर में आते हैं, एंड आर देयर फॉर प्रोटेक्टेड बाई दी जस्ट नेम्ड सेंट्रल एजेंसी। और उनको प्रोटेक्ट कौन करता है, एक सेंट्रल एजेंसी है, वो उनको अभी तक प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अदर चूजन फॉर दिस स्कीम आर प्रोटेक्टेड बाई आर्कियोलॉजिकल डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट। और जो बाकी जो चूज किए गए हैं, जो साइट्स हैं, वो उनको कौन प्रोटेक्ट करता है, आर्कियोलॉजिकल डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट, एंड दे आर लोकेटेड इन, मतलब जिन स्टेट में वो लोकेटेड है वही उनको प्रोटेक्ट करते हैं। हाउ एवर देयर आर सम मॉन्यूमेंट्स सेलेक्टेड फॉर दिस स्कीम दैट आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय द ASI। लेकिन कुछ मॉन्यूमेंट्स ऐसे भी है जो जिनको ASI आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट नहीं करता है, एंड आर इन स्टेट्स विदाउट आर्कियोलॉजिकल डायरेक्टोरेट, और उनको आर्कियोलॉजिकल जो डायरेक्टोरेट है वो भी प्रोटेक्ट नहीं करता है, ठीक है। वन फियर दैट बिजनेसिस दैट साइन एग्रीमेंट्स विद द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू अडॉप्ट दिस मॉन्यूमेंट्स विल बी एबल टू अल्टर देयर हिस्टोरिकल करेक्टर विदाउट मच अपोजिशन। तो क्या है, एक डर हमें और भी है कि जो मतलब जो एग्रीमेंट होगा, जो बिजनेसेस जो कंपनीज एग्रीमेंट करेंगी इन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ इन मॉन्यूमेंट्स को अडॉप्ट करने के लिए, वो इनका जो हिस्टोरिकल करेक्टर है ना उसको भी चेंज कर सकते हैं। मतलब अब जैसा वो उसको बताएंगे लोग वैसा ही मान देंगे, तो क्या होगा, उसका हिस्टोरिकल करेक्टर है वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि जैसा प्राइवेट कंपनीज बोलेंगी वैसा ही उसको माना जाएगा। उसके बाद इंप्लीमेंटिंग दिस स्कीम होल्ड फोर्स एंड अदर डेंजर। होल्ड फोर्स का मतलब क्या होता है, कहना, मतलब प्रेजेंट करना, बताना। तो अगर इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाएगा तो हमें कुछ और डेंजर भी ये बता रहा है, ठीक है, क्या होने वाले हैं। बट विल हैपन टू द मॉन्यूमेंट्स नॉट अडॉप्टेड बाय मॉन्यूमेंट मित्रास इन द प्री डिटरमाइंड टाइम फ्रेम। तो उन मॉन्यूमेंट्स का क्या होगा जिनको कोई प्राइवेट कंपनी है, मतलब जो मॉन्यूमेंट मित्राज है, कोई अडॉप्ट ही नहीं करेगा, उन मॉन्यूमेंट्स का क्या होगा। अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिपोर्ट्स द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड टर्निंग अवर सच मॉन्यूमेंट्स टू टूरिज्म डिपार्टमेंट टू कन्वर्ट दैम इनटू होटल्स। तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि जो उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने क्या स्टार्ट कर दिया है कि ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको किसी ने अडॉप्ट नहीं किया है उनको हम लोग टूरिज्म डिपार्टमेंट को दे देंगे और उनको बोलेंगे कि आप इनको होटल्स में कन्वर्ट कर लो। दे इंक्लूड चुनार फोर्ट, उसमें चुनार फोर्ट भी आता है, ए सिटाइडल ओवर लुकिंग बरगोशवे लेक। सिटाइडल का मीनिंग समझते हो ना, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उसमें एक जो बागेश्वर लेक के सामने से दिखती है उसमें वो बिल्डिंग भी आती है। एंड सेवरल रेजिडेंट्स बिल्ट बाय अवध, और कुछ है उसमें ऐसे रेजिडेंट्स हैं, घर हैं जो अवध नवाब के द्वारा बनाए गए हैं, उनको भी वो होटलों में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। द यूपी गवर्नमेंट्स डिसीजन कन्फर्म्स दैट डिस्पाइट नाउ बीइंग हाउस्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर रैदर देन द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द स्कीम इज कंटिन्यूइंग टू प्लेस रैकलेस टूरिज्म एंड कॉरपोरेट इंटरेस्ट ओवर हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन। तो यूपी गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है ना, ये हमें क्या कन्फर्म करता है, क्या बताता है कि Despite now being housed under the Ministry of Culture rather than the Ministry of Tourism, मतलब ये जो स्कीम है, जो मतलब हमारे जो ये क्या बोलते हैं उसको, जो हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो कहाँ आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आते हैं, रैदर देन टूरिज्म के अंदर,
मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर जी हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो नहीं आते हैं। दिस दिस स्कीम इज कंटिन्यूइंग टू प्लेस ए रैकलेस टूरिज्म। रैकलेस टूरिज्म, रैकलेस का मीनिंग लिखिए, रैकलेस का मीनिंग होता है, एक सेकेंड, रैकलेस का मीनिंग होता है केयरलेस। जो केयरलेस टूरिज्म है वो जो प्रोवाइड करेगी ये स्कीम, एंड कॉरपोरेट इंटरेस्ट ओवर हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन, और जो कंपनीज का जो इंटरेस्ट है ना उसको प्रोवाइड करेगी ओवर हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन। मतलब हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन को छोड़ के कंपनीज को ये स्कीम जो है वो फायदा देगी। क्योंकि देखो यूपी गवर्नमेंट ने टूरिज्म डिपार्टमेंट को कैसे दे दिया वो, क्योंकि जो हमारे जो मॉन्यूमेंट्स है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर आते ही नहीं है, इसी की बात कर रहा हूँ, वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आते हैं, लेकिन फिर भी यूपी गवर्नमेंट ने होटल बनाने के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट को दे दिया। तो ये स्कीम यही बताती है कि प्राइवेट जो एंटिटीज हैं उनको काफी ज्यादा फायदा देगी अवर हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन, जो हमने हिस्टोरिकली प्रिजर्व की थी चीजें उनसे जो फायदा होगा वो प्राइवेट एंटिटीज को होगा। आप होटल बनाना शुरू कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद द टू मिनिस्ट्रीज हैव लॉन्ग बीन एंटीयून्ड। एंटीयून्ड का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ ये जो दोनों मिनिस्ट्री है ना ये मिली हुई है, ठीक है, सिर्फ कहने की बात है कि ये दोनों अलग अलग है। उसके बाद इवन टूडे दे आर लेड बाय द सेम कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, इनका जो लीडर है ना दोनों मिनिस्ट्री का वो कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर। तो मतलब ये दोनों मिनिस्ट्रीज एक साथ मिली हुई है, ठीक है। उसके बाद द पाथ टू चूज, मतलब हमें क्या करना चाहिए। अब कुछ राइटर जो है वो सोल्यूशन बता रहा है, ठीक है, बट माइट कॉरपोरेट इंडिया, माइट का मतलब ऐसे तो ये होता है कि संभावना, लेकिन यहाँ पे जो माइट का मतलब है वो है पावर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है राइटर, बट माइट कॉरपोरेट इंडिया, तो मतलब क्या है जो कॉरपोरेट इंडिया को पावर करेगा, इंस्टेड डू टू लुक आफ्टर द नेशंस बिल्ट हेरिटेज, ठीक है, मतलब जो नेशनल बिल्ट हेरिटेज है उसको देखने के अलावा जो क्या है जो इंडियन कॉरपोरेट को पावर करेगा, मतलब पावर देगा, ठीक है। तो इसके कुछ सोल्यूशन भी बताए हैं, मतलब कंपनीज को क्या चीज पावर देगी सिर्फ जो हेरिटेज है उसको देखने के अलावा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट बिजनेसेस कैन हेल्प सिटीजन अंडरस्टैंड बाय मॉन्यूमेंट्स मैटर, तो क्या है जो कंपनीज हैं वो क्या कर सकती हैं, सिटीजन को हेल्प कर सकती हैं मॉन्यूमेंट्स को समझने के लिए। पहला सोल्यूशन तो ये बताया है, क्योंकि कंपनीज के अंडर होगा तो वही बताएंगे कि मॉन्यूमेंट्स में क्या क्या है। उसके बाद दिस कैन आल्सो कैन बी डन बाय अर्निंग CSR funds for grants for researching, writing and publishing high quality textbooks। तो एक और तरीका है मॉन्यूमेंट्स के बारे में बताने के लिए, ये जो मतलब कंपनीज हैं वो CSR फंड, जिसके बारे में मैंने बात की, रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड, उससे वो क्या कर सकती है, ग्रांट्स दे सकती है रिसर्चिंग के लिए, उसके बाद राइटिंग के लिए और हाई क्वालिटी बुक्स को लिखने के लिए, ठीक है, एंड डेवलपिंग इमेजिनेटिव एंड इफेक्टिव वेज ऑफ टीचिंग हिस्ट्री, और मतलब हिस्ट्री को अच्छे तरीके से बताने के लिए वो क्या कर सकती है, ग्रांट्स दे सकती है, ठीक है। तो इससे भी क्या होगा, मॉन्यूमेंट्स के बारे में लोगों को पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर्स, मतलब ये जो राइटर है वो सोल्यूशन बता रहा है, ठीक है, ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर्स गिव फंड्स टू स्कूल लाइब्रेरीज फॉर कलेक्टिंग आर्चियल मटेरियल। तो जो क्या है, जो हमारे जो मतलब शॉपकीपर हैं, जो लाइब्रेरियन हैं, उनको फंड दिया जा सकता है स्कूल लाइब्रेरीज के लिए फॉर कलेक्टिंग आर्चियल मटेरियल, मतलब हिस्ट्री का जो मटेरियल है उसको कलेक्ट करने के लिए, इंक्लूडिंग उसमें बुक्स हैं, मैप्स हैं, ओल्ड फोटोग्राफ्स हैं, रेलिवेंट टू मॉन्यूमेंट्स, जो मॉन्यूमेंट्स के बारे में हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, इन दियर विसिनिटी। विसिनिटी मतलब क्या होता है, आस पास के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, दैट विल लीड स्टूडेंट टू एस्टैब्लिश द वैल्यू ऑफ मॉन्यूमेंट्स, जो जिनसे क्या होगा स्टूडेंट्स को जो इन मॉन्यूमेंट्स हैं इनकी वैल्यू पता चलेगी। तो कंपनीज है ना, इस तरीके से कंपनीज को पावर मिल सकती है, ठीक है, मतलब अच्छा कर सकती हैं कंपनीज, जो राइटर है उसने बताया है, ठीक है। उसके बाद कॉर्पोरेट्स माइट आल्सो फॉलो दी लीड टेकन बाय दी सुधा मूर्ति एंड एनआर नारायण मूर्ति इन गिविंग गिफ्ट टू ऑर्गेनाइजेशन सच एज बंदारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन पुणे टू कंटिन्यू देयर मिशंस ऑफ राइटिंग हिस्ट्री बाय रैशनली कोऑर्डिनेटिंग द टेक्सचुअल रिकॉर्ड एंड द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। तो और क्या कर सकती हैं कॉर्पोरेट, वो क्या कर सकते हैं, जो जैसे सुंदा मूर्ति है, जैसे नारायण मूर्ति है, उन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि वो गिफ्ट देते थे किसको, ऑर्गेनाइजेशंस को, जो जो क्या करती थी, जैसे ओरिएंटल और रिसर्च इंस्टीट्यूट है पुणे में, टू कंटिन्यू देयर मिशन, उनका जो मिशन है हिस्ट्री लिखने का, ठीक है, बाय रैशनलाइजिंग कोऑर्डिनेटिंग दी टेक्सचुअल रिकॉर्ड एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, मतलब जो पुराने एविडेंस हैं उनको देख के हिस्ट्री बनाने का जो उनका मिशन है, जो बुक्स लिख रहे हैं उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, उनको पैसा दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, कौन, कॉर्पोरेट्स, जिससे जो मॉन्यूमेंट्स का वो अच्छा नॉलेज जो है वो मिल सकता है लोगों को, ठीक है। उसके बाद
सिंस द ऑनसेट्स, ऑनसेट का मतलब होता है स्टार्ट ऑफ कोविड 19 पैंडेमिक, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट्स हैड सम यूनिवर्सिटी हैव बीन विटनेसिंग ए हायरिंग फ्रीज। तो कोविड 19 के टाइम में क्या हुआ था, जो ह्यूमन है मतलब जो लोग हैं और जो सोशल साइंस डिपार्टमेंट है ना बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, हैव विटनेस ए हायरिंग फ्रीज। हायरिंग का मतलब क्या होता है, किसी को लेना, मतलब किसी की भर्ती करना। तो उसमें क्या हुआ था, जो वैकेंसीज हैं वो काफी ज्यादा हो गई थी, मतलब कमी हो गई थी, ठीक है। एट अदर यूनिवर्सिटीज दीज डिपार्टमेंट्स आर बीन एमलगमेटेड। एमलगमेटेड क्या होता है, मिक्स होना, मतलब और बाकी यूनिवर्सिटीज में क्या हुआ था, इन डिपार्टमेंट को ही मिक्स कर दिया गया था, ठीक है। कॉर्पोरेट्स कैन गिव दैम ए न्यू लीज ऑफ लाइफ। न्यू लीज ऑफ लाइफ क्या होता है, मतलब एक नई जिंदगी उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, एक नया मौका दे सकते हैं, बाई इंस्टीट्यूटिंग फेलोशिप, मतलब उनको फेलोशिप देना, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करो, एंड्यूइंग प्रोफेशन, प्रोफेशनशिप, मतलब उनको प्रोफेशन को फायदा दे सकते हैं, प्रोफेशनशिप दे सकते हैं, एंड सपोर्टिंग रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम, और उनके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उनको सपोर्ट करके कॉर्पोरेट इन सब की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड, इंडस्ट्रियल हाउसेस कैन सपोर्ट द मीनिंगफुल कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग्स बाय लुकिंग विद इन। तो जो सेकंड जो है वो क्या कर सकते हैं, जो इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्री है वो भी क्या कर सकती है, कैन सपोर्ट द मीनिंगफुल कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग बाय लुकिंग विद इन, मतलब जो बिल्डिंग्स हैं वो भी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है जो हेरिटेज साइट है उनकी कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, उनको देख के, बाय लुकिंग विद इन। देयर सीएसआर फंड्स कैन बी यूज्ड टू परचेज न्यू इक्विपमेंट दैट रिलीज फ्यूअर नॉक्सियस गैसेस दैट डार्कर एंड कॉरिबल मार्बल बिल्डिंग एंड डिस्चार्ज फ्यू अवर इफ्लुएंस इन टू रिवर्स। तो जो उनका सीएसआर फंड है ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड, वो उसको यूज कर सकते हैं नए नए इक्विपमेंट लेने के लिए, जो क्या करेंगे, जो नॉक्सियस गैसेस है, मतलब जो खतरनाक गैसेस है ना, ठीक है, जो क्या करते हैं, दैट डार्क, मतलब जो खराब करते हैं और जो करोड करते हैं मार्बल बिल्डिंग्स को, ठीक है, एंड डिस्चार्ज फ्यू अवर एफ्लुएंस इन टू रिवर, और जो रिवर्स में गंदे गंदी मतलब पोल्यूशन वाली चीजें डालते हैं, एंड दस मेकिंग दिस वाटर बॉडीज लेस लाइकली टू सर्व एज ए ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ माइक्रोब्स। तो इनके लिए वो क्या कर सकते हैं, फंड इकट्ठा कर सकते हैं ताकि जो पोल्यूशन वो प्रोवाइड करते हैं वो कम हो, ठीक है, और जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी जो बिल्डिंग्स हैं वो जल्दी खराब ना हो, ठीक है, तो और जो वाटर है ना वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड ना बन जाए, मतलब उसमें कीड़ों मकोड़ों के लिए वो एक ग्राउंड ना बन जाए, मतलब रहने की जगह ना मिल जाए। That gather on the walls of ancient building, जो क्या करते हैं, फिर वो रिवर्स में आएंगे, फिर वो जो छोटी छोटी बिल्डिंग्स होती हैं मॉन्यूमेंट्स की उन पे चढ़ जाएंगे, ठीक है। That erected on the river banks and कादी, जो कि रिवर के साइड में जो मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं, क्योंकि अगर पोल्यूशन जाएगा वाटर में तो उससे कीड़े मकोड़े होंगे, वो कीड़े मकोड़े बिल्डिंग्स पे चढ़ेंगे और उनको खराब करेंगे, जो कि रिवर बैंक्स पे बनाई गई हैं, जैसे ताजमहल का जो मार्बल है वो धीरे धीरे करोड़ हो रहा है, किससे, एसिड रेन से, आपने सुना ही होगा। उसके बाद इन द पास्ट टाटा सन्स ONGCs एंड अदर कंपनीज हैव रेगुलरली कॉन्ट्रीब्यूटेड फंड्स टू ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग इंडिविजुअल्स इन मच नीडेड रिस्टोरेशन स्किल्स एंड क्रिएटिंग जॉब्स फॉर देम। तो पास्ट में क्या हुआ था, टाटा सन्स जो कंपनी है ना उसने क्या किया था, हैव रेगुलरली कॉन्ट्रीब्यूटेड फंड्स टू ऑर्गेनाइजेशन, उसने फंड प्रोवाइड किए थे ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेनिंग इंडिविजुअल्स इन मच नीडेड रिस्टोरेशन स्किल्स एंड क्रिएटिव जॉब्स फॉर देम, उनको स्किल प्रोवाइड किए थे और जॉब्स प्रोवाइड किए थे, ठीक है। नाउ इज द टाइम फॉर द कॉर्पोरेशन टू सपोर्ट इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स एट द द्रोणा फाउंडेशन एंड द सेंटर फॉर द एडवांसमेंट ऑफ ट्रेनिंग बिल्डिंग टेक्नोलॉजी। और अब किसका टाइम है, जो कॉर्पोरेशन है उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे द्रोणा फाउंडेशन सेंटर है, ठीक है, और जो एडवांसमेंट ट्रेनिंग बिल्डिंग टेक्नोलॉजी है, और जो एंड स्किल्स दैट आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, मतलब उन स्किल्स को सपोर्ट करना पड़ेगा जो मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को दिए जाएंगे, ठीक है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी प्रिजर्वेशन हो सके, क्योंकि प्राइवेट एंटिटीज के पास अब तो जा रहे हैं ना मॉन्यूमेंट्स, गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करके वही उनकी देख रेख करेगी। उसके बाद तो उसके बाद क्या बताया ऑथर ने, राइजिंग सी लेवल्स फ्रॉम emergent threats such as क्लाइमेट चेंज, सॉरी, तो इन monuments को अगर क्लाइमेट चेंज से जो थ्रेट हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करना है तो जो कॉर्पोरेट जो कंपनी है उनको सपोर्ट करना पड़ेगा स्किल्स को ट्रेन इन सेंटर्स में जहाँ पे स्किल्स ये प्रोवाइड किए जाते हैं। राइसिंग सी लेवल्स आर लीडिंग टू वाटर परकुलेशन इन टू द फोर्ट्स अलॉन्ग महाराष्ट्र कोस्ट। तो जो सी लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है उससे क्या हो रहा है, जो वाटर परकुलेशन, परकुलेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज से वाटर का क्रॉस होना, तो फोर्ट जो किले हैं बड़े बड़े उनमें वाटर जा रहा है अलॉन्ग महाराष्ट्र कोस्ट, महाराष्ट्र की जो कोस्ट है उसके किनारे में। सैलिनेशन इज ईटिंग इन टू दियर फाउंडेशन, सैलिनेशन का मतलब होता है साल्टी पानी जो है ना वो उनकी फाउंडेशन जो मतलब नींव है ना उनके अंदर जा रहा है, ठीक है। हायर रेनफॉल इज लीडिंग लद्दाख स्टूकास हाउसेस टू क्रम्बल, जो स्टूका हाउसेस जो लद्दाख में बनाए हैं ना वो भी क्रम्बल हो रहे हैं, क्रम्बल का मतलब क्या होता है, फट रहे हैं धीरे धीरे रेनफॉल की वजह से। ग्रेटर फ्लक्चुएशन इन दी टेम्परेचर आर पीलिंग अवे दी शेकावातीस मूरल्स, ठीक है।
और जो पिलिंग का मतलब क्या होता है, छिलना, ठीक है। तो जो ग्रेटर फ्लक्चुएशन मतलब जो टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है ना, उससे क्या हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, आर पीलिंग अवे शेकावतीस म्यूरल्स। म्यूरल्स का मतलब क्या होता है, दीवार। जो शेकावतीस की जो दीवार है ना, उसको भी धीरे धीरे वो भी जो जो है वो छिल रही है। किसकी वजह से, किसकी वजह से छिल रही है। पीलिंग का मतलब होता है छिलना, इसको लिख लेना। किसकी वजह से, टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होने की वजह से। दी प्राइवेट सेक्टर रिसोर्सिस एंड एक्सपर्टीज मे ऑल्सो हेल्प दी ASI एंड स्टेट आर्कियोलॉजिकल डायरेक्टरेट टू एंश्योर मैनुमेंट्स फ्रॉम डैम्स, माइनिंग प्रोजेक्ट्स, डिफेसमेंट एंड लूटिंग। तो जो प्राइवेट सेक्टर हैं और जो उनके एक्सपर्टीज हैं, विशेषज्ञ हैं, वो हेल्प कर सकते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्विस ऑफ इंडिया और किसको, स्टेट आर्कियोलॉजी को, ताकि इन मॉन्यूमेंट्स को बचाया जा सके डैम से, जो माइनिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो लूटिंग होती है मतलब लूटा जाता है, जो डिफेसमेंट होती है। अब डिफेसमेंट का मीनिंग क्या होता है, डिफेसमेंट होता है जब डिफेक्ट होता है, उससे बचाने के लिए, ठीक है। इन कॉरपोरेट कंपनी को सपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद, करंटली इंडिया प्रोग्रेस इन डाइवर्स फील्ड्स इज बींग प्रोजेक्टेड एट दी G20 इवेंट्स अक्रॉस द नेशन। तो करंटली जो इंडिया की प्रोग्रेस है ना, अलग अलग फील्ड्स में, डाइवर्स फील्ड्स में, वो कहाँ पे दिखाई जाती है, G20 समिट जो हो रहे हैं नेशन में, वहाँ पे बताई जाती है। बाय एम्ब्रेसिंग फॉरवर्ड थिंकिंग प्रिंसिपल्स ऑफ हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाय एम्ब्रेसिंग फॉरवर्ड थिंकिंग प्रिंसिपल ऑफ, अगर हमें आगे जाना है, मतलब अगर हमें एम्ब्रेजिंग का मतलब होता है गले लगाना, फॉरवर्ड थिंकिंग, अगर अगर आगे बढ़ने का जो प्रिंसिपल है हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन का, मतलब हिस्टोरिकल जो चीजें हैं उनको कंजर्व करने का, अगर हमें उसे लगाना है अपने गले, ठीक है। बिजनेसिस, गवर्नमेंट्स, एजेंसीज एंड सिविल सोसाइटी ग्रुप्स कैन शो केस इंडिया जेन्युइन प्रोग्रेस इन दिस एरेना। तो जो प्राइवेट बिजनेसिस हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसी और जो सिविल सोसाइटी है ना, वो इसमें हेल्प कर सकती है, ठीक है। मे बी दियर एफर्ट्स विल इंस्पायर मोर सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन द प्रेसिंग टास्क ऑफ सेफ गार्डिंग इंडियाज प्लूरिस्टिक कल्चर। तो ये जो एफर्ट्स है ना, वो जो हमारे और भी जो सिटीजन हैं उनको इंस्पायर कर सकते हैं इन द प्रेसिंग टास्क। प्रेसिंग होता है मतलब जो दृढ़ टास्क है, सेफ गार्डिंग इंडियन प्लूरिस्टिक हेरिटेज, मतलब जो हमें इंडिया का जो प्लूरिस्टिक डिफरेंट डिफरेंट हेरिटेज है उनको प्रिजर्व करने का जो टास्क है उसको पूरा करने में, ठीक है, हेल्प कर सकते हैं, और भी सिटीजन इससे इंस्पायर हो सकते हैं। तो ये आज का आर्टिकल था यार, एक एक लाइन को मैंने हिंदी में बताया है। अब मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, मेरा टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके आप लोग सब्सक्राइब कर देना, आपको PDF भी मिल जाएगा, डेली वीडियो लिंक भी मिल जाएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को दबा देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ, कमेंट पक्का कर देना यार, फीडबैक दे देना, क्योंकि आपको 100% समझ में आया होगा। आपको एक बार मेरे से पढ़ना है उसको, उसके बाद जाके PDF इसकी रीड करो, आपको 2-3 मिनट में समझ आ जाएगा। और जो मैं वोकैब लगा लिखवाता हूँ ना, उसको नोट किया करो यार, आपको ये बहुत हेल्प करेगी। और भी मेरा वीडियो आता है जिसमें मैं आपको डेली के 5 वर्ड मीनिंग करवाता हूँ, उसको भी जाके देखो। और प्लीज़ यार, कमेंट बॉक्स में फीडबैक तो एटलीस्ट दे देना, ठीक है, इतना तो बनता है, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है, ओके, और लाइक कर देना। जय हिंद। ये मेरे पास